रामगंज स्थित मन भावन मंदिर में 2 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का समापन हवन पूजन और कलश यात्रा के साथ किया गया। यहां मंदिर में खाटू श्याम और बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लेकर पुण्य कमाया। भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ तो उसमें श्रद्धालु देर रात तक मंत्रमुग्ध होते रहे। बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच कलश यात्रा निकाली गई जिसमें 151 महिलाएं शामिल हुई। वहीं 2 काली माता के अखाड़े भी इस कलश यात्रा में शामिल थे जो मंदिर से शुरू होकर मार्गों से होते हुए यहीं पर आकर संपन्न हो गए। भवन बालाजी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर बालाजी और खाटू श्याम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उसके अंदर हमने नगर भ्रमण कराया तो नगर भ्रमण में कलश यात्रा हुई है। 151 करीब महिलाएं थी और आगे काली की सवारी थी और ध्वजा वगैरह ये लेकर हमने भ्रमण कराया है। ये रामगंज चौधरी होटल से प्रारंभ हुई और मन भवन बालाजी पे समापन हुई है और इससे पूर्व संध्या पर एक दिन पहले यहाँ पर जागरण हुआ बाबा का, दोनों बाबाओं का जागरण हुआ। अभी भगवान का भी महाशृंगार होगा और महाशृंगार होने के बाद में फिर महाआरती होगी और फिर उसके बाद में प्रसादी है, भंडारा प्रसादी है। और अब ये तो भक्तों का है तो आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हुआ उसके लिए तो अब हम लोगों से करते हैं कि भाई उनको थोड़ी तकलीफ हुई उसके लिए और बाकी तो जो हो रहा है संपन्न हो रहा है, आ रहे जा रहे हैं, मतलब हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने लोग कितने भक्त आए हैं। आपका भवन बालाजी मंदिर रामगंज बड़ौदा बैंक के सामने स्थापना की गई और कलश यात्रा भक्ति में शोभा यात्रा और रात को हरि कीर्तन वगैरह और भोजन प्रसादी और बाबा का खीर चूरमे का प्रसाद, नुक्ति का प्रसाद, खीर चूरमे का प्रसाद वापिस, नुक्ति का प्रसाद वापिस और नाश्ता, सारी व्यवस्था और पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ है कार्यक्रम और बहुत आनंद के साथ सबने मजा लिए। जय श्री राम। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग, यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।